ये यात्रा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे है इंडियन आर्मी ने। अभी डॉग स्क्वाड चेक करके गए हैं, सिक्योरिटी में उन्होंने चिप भी लगा रखी है इस बार बस में, पिछली बार भी लगा रखी थी। बहुत बढ़िया फीचर दिया उन्होंने, अगर आपकी बस कहीं मिसप्लेस हो जाती तो आर्मी आपको डिटेक्ट करके आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पिछली बार की तरह इस बार भी मोटरसाइकिल गैंग हमारे साथ है जो BSF का है, पीछे बाइक एम्बुलेंस भी दे रखी है इन्होंने। बहुत बढ़िया इंतजाम है इंडियन आर्मी का, BSF का और ITBP का, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम राजेश बिश्नोई है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं पहली बार यात्रा पर आया हूँ, मेरे जो साथ में है कृपाल सिंह जी, उनकी मदद से मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे तक भी जाऊँगा। बम बम बोले कि जो मेरे पे कृपा है वो बरकरार रहेगी और बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे आतंकवादी, कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इंडियन आर्मी हमारे साथ है। हमेशा से ये हम चाहते हैं कि पहले जत्थे में आए, क्योंकि ये पहले जत्थे का जो उत्साह होता है वो कुछ अलग ही होता है। मैं वो फील करना चाहती हूँ, वो एक भक्ति रस में हम बहना चाहते हैं। ये देखो सभी यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं सभी, एक अलग सा ही यहाँ माहौल है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हालात कोई कुछ नहीं डरा सकता, हमें वहाँ जाना है, आज कल भी जाना था, आज भी जाना और कल भी जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम जाएंगे। मेरा नाम हेमलता है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और बड़ी एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ कि बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। जब से टिकट आई है तब से लग रहा है कि मैं आज जा रही हूँ, आज जा रही हूँ, आज जा रही हूँ, फाइनली आज मैं जा ही रही हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने। और धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी इंडियन आर्मी का जो इतना सपोर्ट कर रही है हमको, और J&K पुलिस का भी जो हमें हर जगह पर सपोर्ट कर रही है। कहीं किसी चीज़ का भी डर नहीं है, किसी चीज़ का भी मन में 1% शंका नहीं है कि हमें कुछ होगा। हम बहुत ही उत्सुक हैं क्योंकि कई सालों से सपना था इस यात्रा पे आने, कई सालों से सपना था। मैं पहली बार आया हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो मेरे लेके आए हैं चाचा जी और ये सोनिका मैडम जी हैं, सो इन्होंने मुझे दर्शन करवाए। मैं भारतीय आर्मी का भी धन्यवाद करता हूँ, भारतीय आर्मी अमित शाह जी, राजनाथ जी, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया कि ना डर नाम की कोई चीज़ नहीं। डर तो सिर्फ TV में वहीं पर दिखता है, घरों में यहाँ कोई डर नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद और पुख्ता है और हमारी यही पूरी कोशिश रहेगी कि यात्री यहां पर आए और सुरक्षित दर्शन करें और सुरक्षित वापस जाएं। सारे जो जरूरी इंतजाम होते हैं सुरक्षा के लिए वो सारे किए गए। हर वर्ष की तरह इनका भावभीनी स्वागत किया है और आगे भी स्वागत करेंगे। हम भोले शंकर का शुक्रगुजार हैं कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में है, वो यहाँ विराजमान है और हमें पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा जो है वो बड़ी कामयाब होगी। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने हमेशा यात्रियों को अपनी मेहमान नवाजी से दर्शाई है और इस साल भी वो अपनी मेहमान नवाजी दर्शाएंगे। से शुरू कर चुके हैं सब इंतजाम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और वैसे ही सारे रास्ते में और यात्रा तक सारी अरेंजमेंट हो चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सब यात्रियों की यात्रा बड़ी सुखदायक रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी।